शौच के लिए गई नाबालिग लड़की का युवक ने किया अपहरण। मामला कोलारस थाना क्षेत्र के ग्राम राय का है, जहां पर पास ही में रहने वाले रामबाबू गडरिया ने एक 16 वर्षीय नाबालिग लड़की का अपहरण कर लिया। पिता श्रीनिवास के अनुसार बुध गुरुवार की दरमियानी रात उसकी बेटी पूनम शौच के लिए घर से बाहर आई थी, लेकिन बहुत देर तक जब वो वापस नहीं लौटी तो उसका पुत्र अमित उसे तलाशने बाहर गया। बाहर कुएं के पास रामबाबू गडरिया उसकी बेटी से बात कर रहा था। हरचरण को जैसे ही रामबाबू ने देखा वो और उसकी बेटी को बाइक पर बिठाकर भाग गया। जब इस बात का विरोध लड़की के पिता और भाई ने किया तो रामबाबू के परिजनों ने उसके साथ मारपीट कर दी। फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मामला सर वो बैना को एक ले गया गांव का पैसा फुसला कर सरकार। क्या नाम है उसका? लड़के का नाम राम बाबू है सर पाल। तो ये कहाँ से ले गया? सर वो घर के बाहर से ले गया, गांव से राई से। राई से सर रात के 1-2 बजे। अच्छा, तो मैं भैया हूँ। लड़की कितने साल की थी? लड़की 16 साल। आज थाने पर रिपोर्ट हुई है, लड़की के पिता श्रीनिवास ओझा द्वारा रिपोर्ट की गई है कि उसकी पुत्री उसका कोई पड़ोस में रहने वाला पाल लड़का था। रात में लड़की जब 1 बजे करीब लेटिन गई थी तो उसने देखा कि बहुत देर तक वो वापस नहीं आई है। जाकर के देखा तो वो लड़की जो है उससे आरोपी से बात कर रही थी। आरोपी जब उन्होंने देखा कि उसको डांटने की बात कही है कि कौन सी बात करी, तभी उसके परिवारजन और लोग आ गए और उससे मारपीट हुई और वो जो आरोपी है वो लड़की को लेकर के चला गया है। लड़की नाबालिग है, अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है।